Ma'am? Can I cross the road like this, or I need to go? Just watch for cars. Yeah, I do it all the time. Just be careful. Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मेरे को वैंकूवर जाना है मीटिंग के लिए अकेले, और मैं फर्स्ट टाइम ट्रांजिट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड आई थॉट दैट अब जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट। लेट्स सी क्या मैं एक दिन पूरा कीरत के बिना वैंकूवर में सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं। एंड एवरीथिंग विल बी न्यू। मेरे घर से अराउंड, मतलब आई थिंक मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब मैं बस ले रहा हूँ। इंडिया में मैंने नहीं ली थी, एक बार मैंने ली थी यूरोप में, तब भी कीरत मेरे साथ थी, तो मैं कीरत के पीछे पीछे चलता था कि वो जहाँ बोलेगी वहाँ बैठ जाऊँगा चुपचाप। सो आज मैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली जा रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली मेरे को एक एक बात याद आ रही मेरे दोस्तों की, जब जब उन्होंने कहा है कि फियांशु स्टार्ट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि बैक एट होम गाड़ी उठाओ और निकल लो। सो आज डिफरेंट जर्नी होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैं निकल पड़ा हूँ, और साला जब रात को गूगल पे देखा था तो इट वॉज शोइंग मी कि अराउंड 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट अब पता नहीं 6 मिनट क्यों दिखा रहा है। शायद वो भी बस आ नहीं रही पास वाले बस स्टॉप पे। बहुत धूप है यार यहाँ पे, और कीरत ने मुझे बोल दिया कि फियांशु जैकेट ज़रूर पहन के जाइए, बड़ा क्लाउडी आज। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कि तुम लोगों को मेरी कितनी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज इट्स प्रीटी विंडी हेयर, एंड मैंने वैसे नया माइक यूज़ किया है। सो लेट्स जस्ट सी। सो बस मिल गई है, और अराउंड 12 मिनट लगेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए, जहाँ से मुझे स्काई ट्रेन लेनी है। फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई है, मैं बैठ गया हूँ, और मुझे लगा था कि मिलेगी कि नहीं, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, बट मिल गई है। और अब मुझे इस ट्रेन में अराउंड 38 मिनट्स लगेंगे, फिर मैं वैंकूवर पहुँच जाऊँगा। एक तो सारे यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, शायद यहाँ पे लोग ही कम होते होंगे तो, बट बैठे हैं आराम से। मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन चाइना टाउन था करके, वहाँ उतर रहा हूँ, और इसके बाद मेरे को थोड़ा सा और चलना है अपनी जगह तक जाने के लिए। मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आ रही होगी, कितनी आ रही होगी, बट आज इस माइक की क्वालिटी टेस्ट हो जाएगी। और अभी बहुत सारे क्यूट डॉग हैं। आई लव योर डॉग। इज ही फ्रेंडली? शी इज ग्रम्पी, शी इज ग्रम्पी। Why did you wake me up? Hi, baby. I just met an incredible woman, and होता क्या है कि यही एजेंडा है कि आप हमेशा ऐसे आओ बाहर, आप मिलो लोगों से, और आपका नेटवर्क करने का आपको टाइम मिलता है। एंड गेस वॉट, शी इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड शी वॉज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन एक्चुअली हेल्प हर प्रमोट हर ऑन सोशल मीडिया, एंड शी कैन बी माई नेक्स्ट क्लाइंट। सो आई गेव अ विजिटिंग कार्ड, एंड दिस इज़ वॉट हैपन्स। सो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्किंग ना आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के मिलती है। बाहर निकलो, काम करो, क्या पता आज का दिन पूरा वेस्ट हो, क्या पता आज का दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, यू डू नॉट नो, बट यू जस्ट हैव टू ट्राई, दिस इज वॉट हैपन्स। मेक श्योर कि ऑलवेज गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, एंड आई कुड ईजी। सो कीरत और मैं एक गाड़ी शेयर करते हैं, और कीरत हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरे को ऑफिस छोड़, गाड़ी ले जा। एंड आई स्पेसिफिकली टोल्ड हर कि यार गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा, आई विल टेक द स्काई ट्रेन, सो दैट आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड रैंडम लोगों से तभी बात हो सकती है। हाउ आई वॉज एबल टू डू सो वेल बैक एट होम, रीज़न बींग बिकॉज मैं वहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, मुझे वो सब कुछ पता है उस शहर के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। और पता कैसे चलेगा, बाहर निकल के। सो मेक श्योर तुम निकलो बाहर अपने कम्फर्ट जोन से। मैंने ना बहुत बार देखा, लोग बोलते हैं हमें ये चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, फलाना है, ढमकाना है, बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर इट। सो मेक श्योर, अगर आपको चाहिए तो आप काम करो, नहीं चाहिए तो आराम करो। ओह वाह, क्या बात है। घूम गया था यार, मेरे को नहीं मिल रहा था, 319 में जाना था मुझे। और सो आपने देख लिया होगा कि मेरी मीटिंग कहाँ थी। यस, मैं कोवर्किंग स्पेस देख रहा था, बिकॉज इट्स गुड टू हैव एन ऑफिस इन वैंकूवर, प्लस आई विल बी एबल टू मीट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। अब आने वाले टाइम में मुझे जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो मुझे एक जगह चाहिए होगी वेयर आई कैन सिट इन द सिटी एंड हैव अ मीटिंग विद देम। सो लेट्स सी, मीटिंग ठीक रही। अब एक और जगह मुझे जाना था, वो मैं गूगल पर डाल के देखता हूँ कहाँ पे है। द नेक्स्ट लोकेशन इज वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी।
थैंक्स टू दिस गाय, इन्होंने मेरे को लाइब्रेरी कार्ड दिलाने में बहुत हेल्प करी है। बेशक मेरे पास BC ID वगैरह नहीं थी, बट ही वॉज वेरी पोलाइट, ही हेल्प मी आउट हियर। थैंक्स टू हिम। व्हाट्स योर नेम? Keenan. थैंक यू। ओह या, नो प्रॉब्लम। वेलकम टू द लाइब्रेरी। सो दिस इज वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी, और ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूंगा आप कभी भी वैंकूवर एक दिन के लिए आओ, आप ये लाइब्रेरी ज़रूर विजिट करो। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज है यहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को सीखने को, और नॉर्मल लाइब्रेरी की तरह। बट आई कैन डू रिपोर्ट माई सेल्फ। थैंक्स मैन, हैव अ गुड डे। सो उन्होंने मेरे को अभी बोला कि आप लोगों को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है, जब तक अपने आप को कर रहे हो तब तक चिल है, कोई सीन नहीं है। यहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे आप लगा सकते हो। सो मार्केटिंग के पोस्टर लगाते हैं। ओके, आई डू रिकमेंड विजिटिंग द 9th फ्लोर ऑफ वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी। ये बहुत सुंदर है, काफ़ी स्पेशियस है, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर्स को, फ्रीलांसर्स को काम कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया जगह है। और बाहर में देख रहा हूँ, इट्स अ ओपन टेरेस, आप आराम से बैठ सकते हो। ये ऊपर से व्यू है और तुम यहाँ पे बैठ के अपना काम करो। लिटरली स्पीकिंग इट इज़ सो अमेजिंग। और अंदर लाइब्रेरी है। 2 hours later ढेर सारा लाइब्रेरी में काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब एक मेरे को वॉलमार्ट में काम था। तो देखो ऐसा है कि मैं चढ़ा तो सही ट्रेन पे था, बट मुझे ये भूल गया था मैं कि मेरे को बीच में उतरना है, और क्योंकि मैं टाइम पे उतरा नहीं, इस वजह से मैं पता नहीं किसी और ही स्टेशन में पहुंच गया, मुझे वापस जाना होगा। उतर गया हूँ मैं सही स्टेशन के लिए, सही जगह पे, फटाफट वॉलमार्ट जाते हैं। सही सलामत पहुंच गए। आई कंधे टूट गए भाई, इतना मैं ना वो वाला बच्चा था जिसे स्कूल में भी सामान नहीं उठाया, स्कूल में भी बुक्स नहीं लेके गया था वो, और यहाँ पे भी इतना सामान मेरे को उठाना पड़ रहा है। इतनी देर ढूंढने के बाद पता लग रहा है यहाँ पे है ही नहीं। और वॉलमार्ट वालों, अगर तुम देख रहे हो तो निखट्टू है तुम्हारी सर्विस, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो वॉलमार्ट के बहुत ही पास एक बेस्ट बाय भी है, तो मैं वहाँ आ गया। आई होप कि बेस्ट बाय पे होगा अवेलेबल। अब ये हुई ना बात, वॉलमार्ट पे एक नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर सारी कलेक्शन पड़ी हुई है। एंड जो मैंने को माइक लेना है वो ब्लू येटी का है, ये वाला, ये $179 का, टैक्सी में लगा के कुछ $201 का पड़ जाएगा। कार्ड वीज़ा क्या सहर। चलो अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला कि मेरे को ब्लू येटी चाहिए, उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं है, दूसरे वाले स्टोर में जो यहाँ से अराउंड आधा घंटा दूर है वहाँ चले जाओ। और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप चेक कर लो, बट उन्होंने कहा कि है ही नहीं हमारे पास। तो मैं यहाँ से जाने लगा, फिर सडनली दिमाग में आया कि यार चलो महंगा वाला ट्राई करूँ लेने का, वो देख लेता हूँ कि कितना और डिफरेंस है। मैं वापस गया, मैंने खुद डब्बे डुब्बे हटाए और मेरे को एक पीस वहाँ पे पड़ा हुआ मिल गया। मैं इतना बात बोलना चाहता हूँ, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना मिलता नहीं है। सेम चीज़ ड्रोन में हुई, जब हम एफर्ट मारा तो चीज़ मिल जाती है। तो गाइज ऑलवेज पुट योर एफर्ट्स इनटू थिंग्स, मतलब सोचो ना, पहले मैं वॉलमार्ट गया वहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ पे आया उन्होंने कहा कोई और स्टोर पे चले जाओ, फिर इसी स्टोर पे मिल गया, बस थोड़ा सा धक्का देना होता है और चीज़ें हो जाती है लाइफ। सो मैं बस स्टैंड पहुँच गया हूँ और पता लगा कि बस 10 मिनट लेट है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा पार्क है, बट मेरा ड्रोन उड़ाने का भी दिल है, बट मैं थक गया हूँ इतना कि मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। एक सड़क पे चलते हुए कैमरा पकड़ने का फ़ायदा ये है कि बहुत लोग तुमसे पूछते हैं कि क्या करते हो भाई, ब्लॉग बना रहे हो, और उसके बाद जितने लोग तुम्हें सड़क पे मिलते हैं वो लोग सारे बोलते हैं कि भाई अपने चैनल का नाम बताओ, और फिर वो तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं। सो आज में मेरे पास 5 रैंडम सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, एंड दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। थक हार के घर पहले स्टॉप पे आ गए हैं, अपना ब्लू येटी माइक लेके। हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की है। वो तुम लोगों को तो पता ही नहीं था, आज सारा दिन ऐसे सेटअप लेके घूम रहा था, तभी लोग पूछ रहे थे व्लॉगिंग करते हो। ये माइक है, ये कैमरा है, ये मेरा ट्राईपॉड है, ये बाय द वे मैंने एक एक चीज़ खुद बनाई है, मतलब मल्टीपल चीज़ों से जोड़ के बनाई है। ये चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है, एंड देन ये DJI का गिम्बल का उससे सेटअप निकाला मैंने। सो ये ऐसे लग जाता है, खुल जाता है। सो सब कुछ सेटअप मैंने खुद किया ही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नहीं अच्छा चल, मैं थक गया हूं, मैं भी अभी पूछती हूं आपसे कैसा गया आपका दिन।
और लाइक कर दो, शेयर कर दो. Don't forget to like, share and subscribe.